भुवनेश्वर पुलिस को गोटे बड़ा सफलता मिली। बहुत दिन रु गोटे गैंग एक्टिव थिला भुवनेश्वर सिटी रे आउ अन्य सराउंडिंग एरियाज रे ए माने चेन स्नैचिंग मेनली एक्टिविटी कंडक्ट करूथले। एमानकु आमे फॉलो करथुलु चेस करथुलु आउ बारंबार एमाने आसिकी एटी चेन स्नैचिंग घटना करथुले। ये गैंग गोटे ईरानी गैंग नाम रे भी एमानकु कुहा जाउछि, जेहेतु ये समस्त लोक जो अछंती ये माने ईरानी ओरिजिनल लोक अछंती, परंतु ओडिशा रा जंक एरिया रे एमाने रहउछंती। जंक और खरियार रोड रे एमानकर कम्युनिटी रोहे और ये माने डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को जाइकी चेन स्नैचिंग चोरी दुकान रे पसी जाइकी सेठु अटेंशन डाइवर्ट करिकी दुकानी मानकर अटेंशन को अलग एरिया ले जाइकी सुना और अन्य जिनस पैसा काउंटर रु बाहर करके और एमानको धरिवार बहुत डिफिकल्ट रहुछि, जेहेतु एमाने सब बेले एक्टिवली मूवमेंट रे रहउछंती, कोनसी भी जगह रहु नाहंती, एमानकर कोठी भी परमानेंट स्टे रहुनी, सेति पय एमानको धरिवार बहुत डिफिकल्ट होउछि। एमती चारि जणकु भुवनेश्वर पुलिस रा स्पेशल स्क्वाड और शहीद नगर पुलिस स्टेशन स्टाफ मिसिकी स्टेट रा विभिन्न जगारु एमाने फॉलो करी करी कि एमानकु धरा हेछि। ये चारि जण भुवनेश्वर रे 22 लास्ट ईयर और ये वर्ष रे मिसे कि 22 स्नैचिंग कंडक्ट करथिले और डिफरेंट डिफरेंट पुलिस स्टेशन नयापल्ली शहीद नगर कैपिटल खंडगिरी धौली तमांडो सबु थाना रे माने स्नैचिंग घटना घटे छंती। ये चारि जणकर नाम होची जाहिर हुसैन जे कि जोंक एरिया रा नोयापड़ा डिस्ट्रिक्ट रा बासिंदा, सनोज कुंभार सीए मध्य जंक नुआपड़ार अच्छी, किस्मत अली आउ सिकंदर अली एमाने मध्य जंक नुआपड़ारे रहउछंती। ये माने केवल ओडिशा रे ही नहीं, अन्य स्टेट्स मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश कर्नाटका सबू स्टेट्स से जाकी एमाने स्नैचिंग और अन्य चोरी लूट सबू प्रकार एक्टिविटी करउछंती। एमाने मेनली बाइक रे बुली बुली की टारगेट आइडेंटिफाई करउछंती, तापर जाकी से टारगेट टू जहाँ चोरी पोरी या रोबरी जो घटना करवा कथा से सब करुछंती। ये जो गैंग आम धरीचु ये टोटल गोटे कंप्लीट गैंग को धरा है ची और एमान पाखु 17 गोल्ड चेन जहाँ टोटल ओजन होची अराउंड 200 ग्राम्स, 5 मोटरसाइकल आउ 3 मोबाइल फोन रिकवरी है। भुवनेश्वर छड़ा एमानकर पुरी भद्रक जाजपुर आउ कटक सिटी रे भी इनवॉल्वमेंट जना पड़ुछि, आउ जहाँ जना पड़ुछि एमानको उपरे पाखापाखि 40-50 केसेस ऑलरेडी एमाने इनवॉल्व अछंती, सेटा परवर्ती स्टेज रे इन्वेस्टिगेशन रे हमकु जना पड़िबो। इनिशियल स्टेज रे एमानकर भुवनेश्वर जो जगह इनवॉल्वमेंट अछि सेमानकर आइडेंटिफिकेशन करिकि आमे एमानकु ये केस रे अरेस्ट करिछु। बाइक रे जेम स्टोन और अन्य अन्य जिनस बिक्री करिवा नारे बुलुछंती, जदि एमानको अटका होची तो एमाने सही जेम स्टोन और जो भी छोटा मोटा आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिक्री करिवा कथा से सब देखे कि एमाने खसी जाउछंती और सही आळरे बुली बुली कि एमाने मझिरे मझिरे को जगह रे स्नैचिंग और अन्य एक्टिविटी कंडक्ट करुछंती। एमाने बाइक रे रहउछंती और एक्सपर्ट बाइकर अछंती, बहुत स्पीड बाइक चलाउछंती, स्पीड बाइक्स एमाने रेसिंग बाइक रो व्यवहार भी एमाने मध्य करुछंती। जहाँ जाना पड़ुछि लास्ट ईयर एमाने बेसी एक्टिव रहिछंती, मझिरे मझिरे एमाने अलग अलग थाना एरिया रे जाइकी स्नैचिंग कर दउथिले, तापर पुणी फरार हो जाउथिले। जेहेतु एमाने ये एरिया रो क्रिमिनल नाहंती और सबु डिस्ट्रिक्ट रे अलग अलग जगह रे बुलिकी एमाने स्नैचिंग कंडक्ट करुछंती, टिके एमानकु आइडेंटिफाई करिबा एमानकु धरिबा डिफिकल्ट समस्त हो। आम कंटिन्यूसली ये सब केसेस जिते भी होते सब केसेस को स्टडी करूँ, आमको जहाँ जना पड़ा जो डिस्क्रिप्शन विक्टिम मैंने आसिक दूसरे से विक्टिम डिस्क्रिप्शन देखिक आमको जना पड़ा कि ये सब केसेस गोटे ही ग्रुप अच्छी जो मानकर जो मॉडस ऑफरेंड सिमिलर अच्छी जो मानकर डिस्क्रिप्शन अच्छी सेटा भी सिमिलर अच्छी, तो ये सब केसेस को कनेक्ट करी आम स्टडी करूँ। पैटर्न स्टडी करा जाऊला कि एमाने को हिसाब रे मूवमेंट करुछंती, केबे आसुछंती, को टाइम रे टारगेट करुछंती, तो ये सब इनफॉर्मेशन गैदरिंग करी कि
ଏମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଧରିବାକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଛି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏମାନଙ୍କର ମଲ୍ଟିପଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଯାଜପୁରରେ ବି କିଛି କେସେସ୍ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ବି ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛି, ଭଦ୍ରକ ପୁରୀ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ପୋଲିସ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରିବେ ଆଉ ଫର୍ଦର ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଏମାନଙ୍କର ସେହି ସବୁ କେସେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ମେନଲି ଏସବୁକୁ ଚେନ୍ ଯେଉଁ ରିକଭରି ହେଇଛି ଏସବୁ ଏମାନେ ଲୋକାଲି ତାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଥିଲେ, ଆମେ ସେଠୁ ବି ରିକଭରି କରିଛୁ। ଇଏ ଇରାନୀ କମ୍ୟୁନିଟିର ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁ କି ଜଙ୍କ ଏରିଆରେ ରହୁଛି, ଏମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଏମାନେ ଆସିଥିଲେ ଘୋଡ଼ା ଅରଣ୍ୟ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ, ଏବେ ଆସିକି ଏମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ସେହି କମ୍ୟୁନିଟି ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବୁଲିକି ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ଚୋରି ଆଉ ରବରି ଘଟଣା ବି ଘଟାଉଛନ୍ତି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଳୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଜେମ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ୟା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଏ ଜୁଏଲେରୀ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ୟା ଆଉ କ'ଣ କପଡ଼ା ଉପଡ଼ା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅଲଗା ଅଲଗା ଇଏ ନେଇକି ଏମାନେ ହିଁ ମେନଲି ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦୋକାନ କାଉଣ୍ଟରରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଟେନସନ୍ ଡାଇଭର୍ଟ କରିକି ସେ କାଉଣ୍ଟରରୁ ପଇସା ନେଇକି ଫରାର ହେଇଯିବାର ବି ଏମାନେ ଇଏ ସବୁ ଘଟଣା ବି ଏମାନେ ବହୁତ ଘଟାଉଛନ୍ତି।